गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, आज आपका क्लास इलेक्ट्रिक डाइपोल पर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप बहुत पहले से सुन रहे हैं और जानते भी होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह में भी कई बार आप सुने होंगे डाइपोल के बारे में कि डाई मतलब क्या होता है, दो, और पोल का मतलब होता है अपोजिट चार्ज वाला जो पोल होता है या सेम चार्ज वाला जो पोल होता है उसी को पोल कहा जाता है। जैसे कोई बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशंस इस पर जो बनाया गया है काफ़ी डेरिवेशंस है, और इस डेरिवेशंस को कोई भी एग्ज़ाम्स में रिपीट किया जाता है, या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या जेई मेन्स हो या मेडिकल के एग्ज़ाम्स हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशंस पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछा जाता है और डेरिवेशंस बहुत सिस्टमेटिक्स है। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर बढ़िया से समझ जाते हैं तो फिर आपको डेरिवेशंस करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइए समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, डाइपोल तो क्लियर है, डाई पोल, डाई का मतलब होता है टू, और पोल जो होता है जिसमें चार्ज होता है। ठीक है ना, मतलब कि जब दो चार्ज को एक साथ रखा जाता है, जैसे ये आपका दो चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है। इसको जब कुछ डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर, मान लेते हैं कि टू ए डिस्टेंस पर हम इसको जब रखते हैं इन फ्री स्पेस, ये कॉम्बिनेशन जो बनता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोल्स। ये कॉम्बिनेशन है दो पोल्स का, वन इज नेगेटिव पोल और एंड अदर इज पॉजिटिव पोल। Which is situated at constant distance, जो कुछ डिस्टेंस पर सिचुएटेड होता है। ठीक है ना, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है दो पोल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे CO2 दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, HCl दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, H2O दिस इज द, ऑल आर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं H2O का, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब अब इसका जो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन है और इसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए हाइड्रोजन जो होता है कनेक्टेड होता है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, और ये जो सिचुएटेड होता है वो आपका 105 डिग्री पर ये सिचुएटेड होता है। ठीक है ना, ये जो होता है दिस इज द पॉजिटिव पोल और इधर जो होता है दिस इज द नेगेटिव पोल, और पॉजिटिव नेगेटिव पोल का बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, मतलब आपका OH माइनस HO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है ना, ये सिचुएटेड होता है सम डिस्टेंस पर, तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है आपका, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो होता है नेट चार्ज जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, मगर इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट चार्ज ऑन द होल सिस्टम विल बी ज़ीरो, ठीक है। मतलब कि नेट चार्ज होगा, जैसे प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज की बात किया जाए तो वो ज़ीरो होगा, ठीक है ना। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ज़ीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वैल्यू आता है, ये ड्राइव करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डायरेक्टेड नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी भी डेवलप होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है और किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको आप पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये इंटेंसिटी वो मेजर करता है, ठीक है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ इसका डायरेक्शन लिया जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे आपका ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, या नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
वो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच के डिस्टेंस को लिया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप इस तरह से लिखेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू टू ए नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ऑफ पी इज द, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है तो चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर, कूलम मीटर। इसका डायमेंशन की बात करेंगे, इसका जो डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू चार्ज का होता है AT और डिस्टेंस का होता है आपका L, ठीक है ना। तो इसको मिला दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा LTA, ठीक है ना। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये डायमेंशन होता है, ठीक है। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर पूछेगा, इलेक्ट्रिक व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको डिफाइन करने के लिए देगा तो आप इतना डिफाइन कर दीजिए, काफ़ी है, दो नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका इजीली दो नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मेन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होता है, वो वैल्यू जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो वैल्यू निकालना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें न्यूमेरिकल्स अभी हम आपको नहीं करा रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इस लेक्चर के बाद कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बीच में कराने से लेक्चर बड़ा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है, डाउनलोड करने में भी थोड़ा परेशानी होता है बड़ा लेक्चर होने पर। इसलिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट हम बता देते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पार्ट आपको बताएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होगा कॉम्बिनेशन पर होगा, सिंगल न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर भी होगा और फील्ड पर भी होगा, कॉम्बाइंड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन करने मतलब एक्स एक्सिस पर, मतलब कि अगर हॉरिजेंटली बात हम करते हैं तो इसको एक्सियल बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब कि आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है और आपका ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इसके बीच का डिस्टेंस 2a है आपका, ठीक है। और एक पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, उसको एक्सियल कहते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट है आपका यहाँ पर P, जो P पॉइंट पर यहाँ पर टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्सियल है, ठीक है। इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको हम R मान लेते हैं, है ना। तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, वही मेरा वैल्यूज होगा, ठीक है ना। हेयर गिवेन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन एंड वी टेक अ पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल से आर डिस्टेंस में लिया गया है, ठीक है ना। देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। देखिए एग्जाम में भी आपको इसी तरह से बनाना है, एकदम फिगर ऐसी बनाना है, इस तरह से लिखना है, तभी जाकर नंबर्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी, ये डिस्टेंस आपका दिया ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा,
क्योंकि टोटल 2a है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी a हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a, ठीक है। और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस r में से a को माइनस कर देंगे तो r माइनस a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ये पॉइंट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और बी की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है ना। हेयर ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से हो रहा है टुवार्ड्स किस तरफ जनरेट हो रहा है, टुवार्ड्स पी ए, मतलब पी से ए की तरफ जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ई वी जो है आपका, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा है टुवार्ड्स, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका, बी पी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब बी से पी उस तरफ जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिएगा तो ई ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई ए का मैग्नीट्यूड होगा के इंटू क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से ई बी जब निकालेंगे तो ई बी का जो मैग्नीट्यूड होगा के इंटू, मतलब बी की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ से यहाँ इतना दूरी है आर माइनस ए डिस्टेंस पर है, तो ये क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें के कॉन्स्टेंट है, क्यू क्यू कॉन्स्टेंट है, तो ये वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ये वैल्यू छोटा है और ये वैल्यू बड़ा है, तो इसका जो रेशियो छोटा होता है डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि ई बी जो होगा ग्रेटर देन ई ए होगा, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो होगा इज गिवेन बाई, तो पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ई बी माइनस ई ए हो जाएगा, ठीक है ना, ई बी माइनस ई ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आप निकालिएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगा ई बी माइनस ई ए, ई बी का वैल्यू कितना है तो के इंटू क्यू बाई, अब इस कलर फॉर्म में लिखते हैं, डायरेक्शन बाद में हम लिख लेंगे, ठीक है ना। के बाई ई बी का वैल्यू कितना है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ई ए का वैल्यू कितना है तो के इंटू क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें से आप के क्यू को कॉमन ले लीजिए, तो के क्यू को जब कॉमन ले लीजिएगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो के इंटू क्यू, ये एलसीएम लीजिएगा ये दोनों का, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपका आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा पी पॉइंट पर के क्यू बाई आर प्लस ए, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए, ठीक है ना, बाई नीचे में भी सॉल्व कर लीजिएगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। इस तरह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो हो जाएगा 4 आर ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q का मैग्नीट्यूड इंटू टू ए इंटू टू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो Q का मैग्नीट्यूड इंटू टू ए होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी का मैग्नीट्यूड इंटू टू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शंस की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा 4/ε0 मतलब वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखिएगा तो पी वेक्टर, ठीक है ना, इंटू टू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पी वेक्टर सिर्फ हम इसलिए लिख रहे हैं कि पी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट अगर होता है, ठीक है ना, अगर शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर शॉर्ट लेते हैं, जैसे माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस 2a है, ठीक है ना, और ये पॉइंट जो यहाँ P ले रहे थे आप, जो आपका r डिस्टेंस पर लिया गया है, ठीक है ना। इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट, अगर छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो 2a का वैल्यू r से काफ़ी छोटा होगा। इस केस में 2a को हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू टू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहाँ जब वैल्यू रखिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इंटू टू आर बाई आर स्क्वायर, ए का वैल्यू ज़ीरो ले लीजिएगा। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू टू आर बाई आर का पावर 4, आर से ये कटेगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 2/r³। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³, ठीक है ना। मतलब ये आपका शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जनरली न्यूमेरिकल्स जो पूछा जाता है वो शॉर्ट डाइपोल से पूछा जाता है। शॉर्ट डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डाइपोल की वजह से, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिस्टेंस का क्यूब होता है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म में हो गया आपका, ये स्केलर फॉर्म में हो गया। चलिए तो अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन अगर डाइपोल पर रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सियल पॉइंट पर है, इसी तरह से इक्वेटोरियल पर होता है, इक्वेटोरियल पर निकाल के फिर दोनों को रिलेट करेंगे, रिलेट करने के बाद न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको बताएंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर।